प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार सने के साथ मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश करने के लिए धन्यवाद। आज आप लोग के फरमाइश पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल बुध केतु की युक्ति, जिसके कुंडली में लग्न में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग होनहार होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा पाते हैं, दूर दूर तक नाम फैलाते हैं, इनका जीवन सफल होता है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग पारिवारिक जीवन से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्नति में रुकावट आता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, नशेबाज होते हैं, चैतहीन होते हैं। जिसके कुंडली में पंचम भाव में पांचवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, बहुत कम उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी चरित्र खराब नहीं होता, कभी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होता। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग की शादी में रुकावट आता है, लव मैरिज शादी नहीं होता है, अगर किसी तरह से शादी हो गई तो पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होता है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में शंकित होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और हमेशा संघर्ष और ठोकरें खाते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण सफल होते हैं, अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, लेखक बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और जीवन में रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अधिक धन कमाते हैं, ऐसे लोग को उद्योग जमीन केमिकल धातु संबंधी व्यापार से अधिक लाभ होता है। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में मंगल बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में कभी ठोकर नहीं खाते, इनके संतान योग्य होते हैं, चौथापन इनके अच्छे जाते हैं और कभी भी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बर्बाद होती है, दयालु होते हैं, उदार होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर संपर्क करिए, मैं फ्री जवाब दूँगा। किसी मित्र को अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना करते हो